अरे फ्रैंकलिन भैया, एक बात तो बताओ, ये हमें सुबह सुबह किसके रिक्शे में घुमा रही हो? हमें सच्ची सच्ची बता दो, आपने नया काम शुरू किया ना? अरे यार पागल हो गए हो क्या, ये रिक्शा तो मैंने खुद के लिए खरीदा है। तो हमारी गाड़ी कहाँ पर गई? गाड़ी कहीं नहीं गई है, हमारे घर के बाहर ही खड़ी है। पर तुम्हें तो पता है ना वो कितनी खराब होती है। हाँ तो उसे रिपेयर करवा देते। मैं गया था उसे ठीक करवाने, पर मैकेनिक ने सामने से ही बोल दिया कि जितने में तुम्हारी गाड़ी ठीक होगी ना उतने में तो नई आ जाएगी। अरे तो फिर नई गाड़ी ले आती ना। हाँ तो लाया हूँ ना। ये तू बैठा किसमें? यही आज से हमारी नई गाड़ी है। अरे सामने देखो वो क्या है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कोई मीटियर गिर रहा है। अरे पर आप जा कहाँ पर रही हो, हमारा घर तो पीछे रह गया है। शिनचैन यार, हमारे इतने पास मीटियर गिरा है, हम लोग जाकर देखेंगे तो सही ना। अरे पहले आप गाड़ी सीधी करो। हो गई चौप, डर मत। मैंने बोला ना इससे पहले मैंने रिक्शा कभी नहीं चलाया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। अरे बापरी जरा देखो तो सही, ये मीटियर तो कितना बड़ा है। एक मिनट, यहाँ से किसी की तो आवाज आ रही है। अरे ज्यादा पास मत जाओ। चौप यार रुकना, कुछ नहीं होगा। ओ भाई साहब, ऑप्टिमस प्राइम, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसकी तो हालत भी बहुत खराब है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ फ्रैंकलिन। सबसे पहले ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे? तुम लोग तो धरती से चले गए थे ना। और मुझे एक बात बताओ, ये मीटियर तुम पर ही गिरा है क्या? नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हम सारे के सारे ऑटोबॉट्स अर्थ से चले गए थे अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन की तरफ, पर कुछ ही समय बाद मेगाट्रॉन की नीयत खराब होने लगी। उसे एक ऐसा प्लेनेट चाहिए था जहाँ पर वो अकेले राज कर सके, इसलिए उसने अर्थ को चूज किया। उसे पता था इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं इस मीटियर की मदद से उससे पहले यहाँ पर पहुँच गया। क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब मेगाट्रॉन वापस आने वाला है? वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है, पर उसने अपने 3 साथी पहले से ही अर्थ पर छोड़ दिए थे ताकि वो उसका रास्ता साफ कर सके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो हमारे पास काफी कम समय बचा है, वो साइबरट्रॉन से अपनी स्पेसशिप में बैठ चुका है, उसे यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे पहले वो यहाँ पर पहुँचे हमें उसके 3 साथियों को मारना होगा। वो सब तो ठीक है, पर हम लोग रोकेंगे कैसे, क्योंकि तुम मीटियर के साथ आए हो और इतने जोर से टकराने की वजह से तुम्हारी हालत भी खराब है। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें अपने कुछ ऑटो पार्ट्स दूंगा जिससे तुम मेरे जैसे बन जाओगे। एक मिनट, इसका मतलब मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, अब वहीं पर खड़े रहो। गाइस यार पता नहीं क्या बनेंगे। ओह ये तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसे ही लग रहा है, इसका मतलब मैं इसकी मदद से मेगाट्रॉन को हरा सकता हूँ। तुम इसकी मदद से हरा तो सकते हो, पर तुम्हें सूट को अपग्रेड करना होगा, तुम्हें बहुत सारे ऑटो पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे पहले रोबोट की लोकेशन पता है, मैं तुम्हें भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो गाइस अब फटाफट निकलते हैं। वैसे अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मर हूँ तो मैं गाड़ी तो बन सकता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। शायद इस सूट में कुछ कमी है, मैं ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पा रहा हूँ। चलो गाइस छोड़ो, चलते पहले लोकेशन की तरफ। देखो लोकेशन तो यहाँ पर आके खत्म होती है, वैसे तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है मिलिट्री वालों और पुलिस वालों को भी इसकी खबर मिल गई थी, पर यहाँ तो कोई बचा ही नहीं है यार। एक मिनट, यहाँ किसी की तो आवाज आ रही है, जल्दी से छुप के देखता हूँ। ओह बुरा गाइस, ये तो डायनो है ना। जल्दी से बता दे वो रेडिएटर कहाँ पर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। लगता है तुम इंसान ऐसे नहीं मानोगे, तुम बेवकूफ के बेवकूफी रहोगे। अब भुगतो इसकी सजा, रेडिएटर तो मैं ढूंढ ही लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अबे यार इसने तो उसे मार दिया। डायनो वहीं पर रुक जाओ, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। एक मिनट ऑप्टिमस प्राइम, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था मीटियर के टकराते ही तुम मर जाओगे। एक मिनट, इसका मतलब तुम लोगों को पता है कि ऑप्टिमस प्राइम उस मीटियर के साथ आया था? आया था का क्या मतलब है, तुम ही ऑप्टिमस प्राइम हो ना। चलो गाइस इनको एक चीज पता है पर दूसरी चीज नहीं पता। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अभी के अभी ये सब छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसे खत्म कर दो। गाइस ये रोबोट्स तो काफी खतरनाक लग रहे हो भाई साहब, पहले तो थोड़ा दूर भागा जाए। अबे यार मुझे लगा था यहाँ 2-4 ही है, यहाँ तो हर कोने में ऐसा एक रोबोट है। और ये लोग काफी तैयारी में लग रहे हैं, लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हारी तो मैं ये खा, यहाँ पर आओ और ये ले, एक को भी नहीं छोड़ सकते गाइस, वरना ये सब गाड़ी बन बन के हमारा पीछा करेंगे, है तो ऑटोबॉट्स ही ना। अब ये लो और ये खाओ, ये सारे के सारे
डिसेप्टिकॉन ही होंगे। और एक ये गया। अबे यार ये सब कब खत्म होंगे? तुम्हारी तो मैं बस एक दो बाकी है गाइस, फिर अपना काम हो जाएगा। अगर मैंने डाइनो को हरा दिया तो तीन में से एक तो गया, फिर हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। रुक 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 रुक, भागता कहाँ पर है? यहाँ पर आ। नहीं तो यहाँ तो रास्ता साफ हो गया है, अब जाके डाइनो को सबक सिखाते हैं। एक मिनट, ये लेजर कौन छोड़ रहा है? अबे यार ये तो डाइनो ही है। भागो भागो भागो, गाड़ी के पीछे छुपना होगा। अबे डरपोक हिम्मत है तो हथियार फेंक दे, आपस में लड़ते हैं ना। तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? गाइस यार इससे कैसे बचूं? एक मिनट, अबे ये तो भाग रहा है, डरपोक जाता कहाँ पर है? ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में आ जाऊं? अब जल्दी से खुद को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ये हुई ना बात, अब मुझे पकड़ के दिखाना ऑप्टिमस। अब ये इंजन चालू होने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ तो छत से रही है, कहीं उसने खुद को ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर लिया? ओ भाई साहब, गाइस मैंने एकदम सही समझा था, वो तो यहाँ से भाग जाएगा। पकड़ के दिखाओ घोचू। गाइस यार वो निकल गया है। यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी है, इसमें बैठ के पीछा करता हूँ उसका। कैसे दिन देखने पड़ रहा है यार, मैं एक ट्रांसफॉर्मर हूँ और खुद को गाड़ी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसा भंगार सूट है। चलो चलो चलो, कहाँ तक भागेगा मैं भी देखता हूँ। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और ये क्या, तुम पुलिस की गाड़ी लेकर आ रही हो? क्या हुआ, तुम्हारे ऑटो पार्ट्स खराब हो गए क्या? ओ गाइस, एक तो ये मुझे कब से चिढ़ाते जा रहा है, ऑप्टिमस प्राइम को छोड़ूंगा नहीं मैं, बेइज्जती हो रही है यार यहाँ पर मेरी। रुक जा बच्चे, अगर गलती से हाथ में आ गया ना तो ऐसी गंदी हालत करूंगा ना, तू भी कभी गाड़ी नहीं बन पाएगा। बातें कम काम ज्यादा करो। हाँ तुझे बताता हूँ मैं क्या काम करना है। ओह अबे यार ये तो जम मार मार के चला जाता है, मानना पड़ेगा ये काफी एडवांस लेवल का रोबोट है और हम भी किसी से कम नहीं गाइस। चलो चलो चलो, बस यहाँ से नीचे ना गिर जाऊँ मैं, मुझे यही डर है। फाइनली पहुँच गए, अब कहाँ पर भागेगा, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा तेज चला नहीं सकता। ये देखो गाइस फाइनली मिल गया, तेरी तो ये ले। नहीं 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 नहीं, उसका भी बैलेंस बिगड़ा और ये गया। बहुत हो गया इसका, आया बड़ा। अब भाग के दिखाना, क्योंकि इसके आगे जोर से टक्कर मारी ना तो बहुत जोर के शॉक लगेंगे। रुको तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले खुद को ट्रांसफॉर्म कर लूँ। क्या हुआ डाइनो, भाग नहीं पाया? और अभी कभी नहीं भाग पाएगा, तुझे तो मैं यहाँ से अपने प्लेनेट पर भी जाने नहीं दूंगा, इतनी गंदी हालत करूंगा ना तेरी। ऐसा तुम्हें लगता है, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम जैसे कईयों को मारा है मैंने। ऐसी बात है तो आ जा। ये लो आ गया। ओहो अबे यार इसके पास तो ब्लेड्स भी है। अबे नहीं 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 नहीं, रुक रुक, वैसे यार इसके ऑटो पार्ट्स की हालत खराब है, खाली नाम का ट्रांसफॉर्मर हूँ मैं। ओ भाई साहब इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या घसीट रहा है मुझे। आजा 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 आजा, और ये ले अब ये खा, ये पड़ी लात। ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते तो क्या हुआ, बाकी की एबिलिटी तो है ना मेरे में। नहीं तो थोड़ा सा जंग भले लगा हुआ है मुझे, पर मशीन तगड़ी है अंदर की मेरी। अब ये ले और ये खा, तू तो गया। अब देते इसको फिनिशर। अब यार अभी भी उठा हुआ है, तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अबे जा यहाँ से, इतनी मार खा रहा है फिर भी। तुम मुझे तो हरा लोगे पर मेगाट्रॉन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गाइस यार इतनी मार खा रहा है फिर भी उसकी धमकी दे रहा है। चलो एक तो गया। एक मिनट, इसको मार के हमें मिले हैं पूरे $1,00,000। जल्दी से देखते हैं इसमें कौन सा सूट आएगा। ये खोला मार्केट और ये बाय। मैं काफी भारी बन गया हूँ, ये शायद से हाउंड है। एक मिनट गाइस, लगता है कोई नोटिफिकेशन आया है, ऑप्टिमस ने कोई तो वीडियो भेजी है। कैसे हो ऑप्टिमस, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, यहाँ के प्रेसिडेंट मेरे कब्जे में है, अगर इसे बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ। ओ गाइस ये तो ब्लैकआउट था ना, इसने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया ताकि ऑप्टिमस उसके पास जाए। और गाइस ऑप्टिमस से पहले हम लोग जाएंगे उसके पास, जल्दी से देखते हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्म हो भी सकते हैं या नहीं, वरना पिछली बार की तरह पोपट हो जाएगा। और ये ओहो अबे यार हम लोग तो एक चॉपर बन गए, तभी मैं बोलूं कि हमारा शरीर इतना भारी क्यों है। चलो अब जल्दी से पहुंचते हैं। देखो उसने जिस लोकेशन की बात की थी ना वो इसी बिल्डिंग से आ रही है, पर एकदम टॉप से, तो जल्दी से इसकी छत पर जाना होगा हमें। गाइस वहां पर कोई दिखाई तो दे रहा है। अबे नहीं यार ये तो ब्लैकआउट है, फटाफट से ट्रांसफॉर्म होता हूँ। ये ले मैं आ गया हूँ, जल्दी से बता दे कि प्रेसिडेंट कहाँ पर है। ये क्या, मैंने तो ऑप्टिमस को बुलाया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हाउंड? तुमने ऑप्टिमस को बुलाया होगा, पर ऑप्टिमस ने मुझे भेजा है ना, पहले मुझसे तो लड़ लो। सीधे सीधे बोल दो ना, वो मुझसे काफी डर गया है, अगर अभी से उसका ये हाल है तो सोचो मेगाट्रॉन के आने के बाद क्या होगा। अरे यार तू अपना देखना, उसको हम लोग देख लेंगे, पहले मुझे हरा दे उसके बाद ऑप्टिमस भी मिल जाएगा। तुम पर मैं अपना वक्त जाया नहीं करूँगा, तुम्हें तो मेरे रोबोट ही देख लेंगे। चलो मिलते हैं बाद में। हा, 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 हा।
अबे नहीं, वो तो उड़नछू हो गया। और ये इसके किस रोबोट की बात कर रहा था? ओ भाई साहब, इसने तो सारे के सारे चॉपर वाले ऑटोबॉट्स ही छोड़ दिए। अबे यार, ये लोग तो मिसाइल पर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। मुझे इनसे बचने के साथ इन्हें खत्म भी करना होगा। भागो 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 भागो, देख रहे हो कैसे निशाना ताक के बैठे हैं? एक के खिलाफ इतने सारे। गाइस हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमारे पास भी इतने भारी भारी हथियार है, जरा इन्हें मजा चखाया जाए। ओहो, क्या ऊपर से गया ये, तुम्हारी तो मैं ये लो और ये खाओ, एक दो को तो मार गिराऊंगा ही गाइस। वैसे तो ये लोग मेरे इतने नजदीक से जाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि खुद ही टकरा के ब्लास्ट हो रहे हैं। ये देखो ये देखो, साथ में लेके ही जाएंगे क्या मुझे? ओहो हो, क्या बचाओ गाइस मैं, यहाँ तो मामला बिगड़ते ही जा रहा है। भागो भागो भागो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे यार। डिसेप्टिकॉन्स के ऑटोबॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। गाइस मुझे लगता है यहाँ से निकलने में भलाई अपनी, फटाफट भागते हैं यहाँ से, ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा मैं। फटाफट से चॉपर बनता हूँ। जरा हालत तो देखो गाइस, ये लोग तो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अबे यार नहीं 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 नहीं, मेरा इंजन तो जोर जोर से आवाज कर रहा है, ये लोग तो भारी तादाद में पीछा कर रहे हैं। जरा पीछे तो देखो गाइस, मुझे कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना ही होगा। फाइनली जैसे तैसे करके गाइस उनसे दूर हुए, पर ये ब्लैकआउट कहां पर भाग गया है? अबे यार उसको छोड़ो, हमें तो प्रेसिडेंट को भी बचाना है। जल्दी से ऑप्टिमस को फोन लगाता हूँ। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट की लोकेशन पता करके दो। अच्छा ठीक है, रुको मैं भेजता हूँ। चलो गाइस थोड़ी देर में लोकेशन आ जाएगी। देखो ऑप्टिमस ने जो लोकेशन भेजी थी ना, वो यहाँ पर आके खत्म होती है। और जरा वहाँ सामने देखो, कोई तो हिल रहा है। अबे वो तो प्रेसिडेंट ही है, फटाफट से जाके उनको बचाते। अबे नहीं 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 नहीं, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है भाई साहब। उनको देखने के चक्कर में ब्रिज तो देखा ही नहीं। अबे नहीं, ये क्या हो रहा है, मैं तो पूरा उल्टा हो गया। जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। चलो पहुंचा तो सही। सर जी रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने, आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ हमें तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें हो सकता है। जरा अपने पीछे देखो, वो ट्रेन तुम्हें कुचल देगी। ट्रेन? कौन सी ट्रेन? अबे हॉर्न की आवाज तो आ रही है। लग गए गाइस। देखो मुझे खुद की टेंशन तो नहीं है, मैं तो बच ही जाऊंगा, पर प्रेसिडेंट सर को बचाना बहुत जरूरी है। अपने हथियारों का इस्तेमाल करते है और ये ले। प्लीज प्लीज प्लीज, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। और ये क्या ट्रेन रोकी है यार मैंने, देख रहे हो कितना गैप बाकी था। सर चिंता मत करो, अभी आपको कुछ नहीं होगा। जल्दी से खोल देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम तुम्हें इसका इनाम दिलवाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया भी था। चलो आपसे बाद में मिलता हूँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आपको यहाँ से लेकर जाएगी। अब फिर से आते ब्लैकआउट पर, उसे ढूंढना जरूरी है। एक मिनट, मुझे उसके सिग्नल मिल रहे, वो यही है हमारे आसपास। देखो छुपना बंद कर दो, मुझे पता है तुम यही पर हो। वाह क्या बात है, तुम तो काफी शातिर निकले। भूलो मत मैं भी एक ऑटोबॉट हूँ, तुम लोगों के सिग्नल काफी आसानी से पकड़ सकता हूँ। और तुम तो थे भी एकदम नजदीक, अब तो तुम गए भाई साहब। अबे पहाड़ के उसी साइड चला गया। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो, हमें यहाँ पर आके कब्जा करने से नहीं रोक पाओगे। अबे रोकना तो छोड़ो, तुम्हारा तो ऐसा हाल करके छोड़ेंगे ना, कभी खुद के प्लेनेट पर भी कब्जा नहीं कर पाओगे। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी मुझे या तुम्हें? तुम्हें अपना पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चलो गाइस मुझे लगता है इसको तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। कैसे लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है। और जरा देखो तो सही, इसे खत्म करने के हमें मिले हैं पूरे $10,00,000, मतलब के 1,000,000। तो जल्दी से देखते हैं इसमें कौन सा सूट मिलता है। और ये बाय सनस्ट्रीकर। भाई साहब मजा आ गया। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते फटाफट। भागो भागो भागो। अबे यार मैं भाग क्यों रहा हूँ, मैं तो ट्रांसफॉर्मर हूँ। जल्दी से ट्रांसफॉर्म होता हूँ। भाई साहब क्या ही मस्त गाड़ी है यार। एक मिनट, ये किसका सिग्नल है? ऐसा लग रहा है कोई मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। ये मैं ही हूँ ऑप्टिमस। ओ बोलो क्या हुआ? मुझे तीसरे ऑटोबॉट्स का पता चल चुका है, वो स्टार स्क्रीम है। मुझे जल्दी से उसका लोकेशन भेजो। लोकेशन तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, बस मेरी बात याद रखना, उसमें भर भर के ईगो है, वो खुद को सबसे ज्यादा स्पीड समझता है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो वो खुद ब खुद अंदर से मर जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो गाइस निकलते फटाफट, हम लोग बस लोकेशन पर पहुंचने वाले, यहीं पर होनी चाहिए। ये रही। अबे ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो ट्रैक है पूरा, वो रहा स्टार स्क्रीम। फाइनली हमने उसे ढूंढी लिया है। दादा यार जल्दी से बताओ मुझे इस रेस को कैसे जीतना है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये क्या अजीबो गरीब चीजें आ रही है। एक रोबोट जैसा दिखता है पर उसके पास गाड़ी नहीं है, और दूसरे के पास गाड़ी है पर अंदर ड्राइवर नहीं है। अरे यार डरो मत, मैं खुद ही एक गाड़ी हूँ। और मेरे गाड़ी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे मैं अभी गाड़ी बनता हूँ। ये लो गाइस, यार जरा इसकी गाड़ी तो देखो, ये तो अपने से बहुत ज्यादा फास्ट लग रही है, पर दिखने में क्या होता है। तो तैयार हो जाओ, रेस शुरू होने वाली है। चलो गाइस रेस शुरू हो गई है, देखा कैसे आगे निकला मैं। फर, फर, तुम
मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है गाइस। और कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम नहीं, तेरी तो ये ले। ओ ओ, अबे यार ये गया गया गया। अबे यार बच गया। कोई नहीं कोई नहीं, चलो टनल के अंदर से। ओ क्या उछला ये। अबे यार ये बार बार सीधा कैसे हो जाता है। मानना पड़ेगा इसने खुद पर बहुत ज्यादा काम किया है, ऐसे ये खुद को इतना स्पीड नहीं समझता, पर कहीं ना कहीं तो ये पक्का टकराएगा। ओ नहीं 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 नहीं, गए 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 गए, बच गए गाइस यार। इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। कहां गया कहां गया कहां गया। एक तो इनके बीच में कुछ दिखाई भी नहीं देता, ये रहा। चलो ज्यादा आगे नहीं पहुंचाएगा, हम लोग उसके काफी नजदीक है। अब साइड साइड से होते हुए, नहीं 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 नहीं, नहीं यार ये ही गड़बड़ होती है। अब यहाँ से तो मैं उसके आगे जा भी नहीं सकता, क्योंकि जरा रास्ता ही देख लो। और ये गया गया गया, अभी फिर से बच गया। मानना पड़ेगा टैलेंट तो है इसमें। अबे नहीं, उसके बारे में सोचते सोचते अभी तो मेरी हालत टाइट हो जाती। चलो गाड़ी सीधी तो हुई, वो अभी तक टेढ़ा ही पड़ा हुआ है, पर अभी मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। बस गाइस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, उसके बाद ये खत्म। और ये पहुंच गया, आना अभी आगे निकल के दिखा। ओ, ये तो नजदीक पहुंच गया। पहले से इतनी होशियारी नहीं माननी चाहिए, पता नहीं आगे क्या हो। धीरे 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 धीरे। और ये नहीं 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 नहीं, आगे निकल जाएगा। ओ चलो, इसने अपने को धक्का देके सीधा कर दिया। वैसे सीधा तो मैं हो ही गया था। अब इस कलरफुल टनल के अंदर से, बीच का रास्ता तो स्किप ही कर दिया मैंने, पता नहीं वो कहां पर रह गया है। उसे आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। चलो 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 चलो, ये सब तोड़ते हुए आगे जाना है, तो ध्यान रखना होगा। ये देखो आ गया आ गया। अबे चिड़कू धक्का क्यों दे रहा है। अबे यार ऐसा थोड़ी होता है, वो चीटिंग करके आगे निकला है। तेरी तो मैं कहां तक जाएगा मैं देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, अपनी गाड़ी उल्टी हो गई है यार। लगता है उसकी भी हो गई थी, वो पीछे गया है ताकि स्पीड जा सके, पर मैं यही से जंप मारूंगा। और ये मैं चल रहा, और ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। गाइस यार बेचारा, तुमने चीटिंग की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे जा। गाइस यार उसी के साथ हमें मिलते हैं पूरे के पूरे $10 million। मजा ही आ गया यार, अब तेरा क्या होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे उसके पहले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जा मरने के लिए, ये ले। चलो गाइस ये भी गया, तीनों के तीनों रोबोट्स को हमने मार गिराया। बस अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। अब देखते हैं फटाफट से हमें कौन सा नया सूट मिलता है। ये खुला मार्केट, और ये बाय। ओ भाई साहब, हम लोग तो एक ऑटो ट्रूपर बन गए, और हमारा साइज भी पहले से काफी बड़ा हो गया है। अब मुझे लगता है कि मैं मेगाट्रॉन को हरा सकता हूँ, तो जल्दी से उसके पास चलते हैं। हमें बस उसके सिग्नल का पता करना है। देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो हमसे काफी दूर है, तो जल्दी से खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और फटाफट चलते हैं। देखने से तो लग रहा है मैं बहुत अच्छी गाड़ी बनूंगा। अबे ये क्या, हम तो एक टैंक बन गए। चलो ये भी सही है, अब तो मेगाट्रॉन बिल्कुल नहीं बच पाएगा। गाइस मुझे लग रहा है कि हम लोग सिग्नल के पास पहुंच रहे, बस कुछ ही देर में वो हमारे सामने होगा। देखो सिग्नल आ तो यही से रहा था, पर यहाँ की हालत तो बहुत खराब है। ओ भाई साहब, अब ये क्या इतनी बड़ी चीज। गाइस ये रहा मेगाट्रॉन, अब तू नहीं बचेगा। सबसे पहले तो खुद को ट्रांसफॉर्म करूं। ये हुई ना बात। देख मेगाट्रॉन, तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अपने प्लेनेट पर लौट जा, यहाँ पर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अबे छचुंदर, पहले अपनी साइज देख फिर मुझसे बात कर। साइज भले कम है, पर ताकत तुझसे बहुत ज्यादा है। तुम शायद देख नहीं रहे हो, यहाँ मैं अकेला खड़ा हूँ तुमसे ज्यादा ताकतवर, पर वहाँ पर तुम्हें वो स्पेसशिप दिख रही है, उसमें मेरे जैसे हजारों हैं। एक बार वो खुल गई, उसके बाद ये धरती मेरी। इधर आ देता हूँ तेरे को धरती। तुम सब पिद्दी हो, मच्छर की तरह कुचले जाओगे। ये तो गाइस छोटा देख के ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, तेरी तो क्या पंच पढ़ाई से। हाँ नहीं तो कब से बहुत ज्यादा ही बोल रहा था। जरा थोड़ा स्पेशल अटैक किया जाए, क्या निशाने पे लगा है। कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे हरा कर भी नहीं हरा पाओगे। अब जरा गाइस इसको अपनी पावर का नमूना दिखाते हैं, बता असली कौन सा और नकली कौन सा है। क्या कुचल के निकला हूँ मैं। अब जरा इसको हवा में फेंका जाए, एकदम सर पे लगाए। गाइस ये हुई ना बात, अब अपनी पूरी ताकत लगा के इसको पंच देंगे। अब यार ये क्या हो गया, जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा इससे पहले ये हावी हो जाए। अब नहीं, अब तो तू गया बेटे। इसको तो मैंने जड़ से उखाड़ दिया है। और गाइस इसे मारने के हमें मिले हैं पूरे $20 million। जल्दी से खोलते हैं मार्केट, देखते हैं कौन सा सूट है। और ये बाय, हम लोग तो ऑप्टिमस प्राइम बन गए, वो भी नए वाले। टाटासू लग रहा है। मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझे हरा कर भी नहीं हरा पाओगे। ये अभी तक जिंदा है। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। देख सच्ची बोलूँ तो तू छुप गया होता तो फायदे में रहता। छुपने की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी, अब तुम्हें मेरे पेट का सामना करना होगा। क्या, मेगाट्रॉन के पास भी एक पेट है, कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। रुको अभी बुलाता हूँ। ये देखो इसका नाम बूबू है, ये एक प्लेनेट ईटर है। जब तक मेरी स्पेसशिप वहाँ पर है, हम दोनों को कोई नहीं हरा सकता।
गाइस यार जरा इसके बुबू की साइज तो देखो, इसका तो मुंह देख के मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा राक्षसी कैटरपिलर है। देखो ये प्लैनेट ईटर के साथ साथ एक ऑप्टिमस ईटर ना बन जाए, सबसे पहले तो यहाँ से भागता हूँ। फटाफट से खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओ भाई साहब जरा ये ट्रक तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। आजा बेटा बुबू, अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। गाइस लगता है हिम्मत तो बहुत है, इतना राक्षसी है यार, इसके दांत तो देखो, इसके ज्यादा पास नहीं आ सकते वरना ये हमें खा लेगा और डकार भी नहीं लेगा। इसके सामने हम है ही कितने। ओहो, क्या रेंगते हुए आ रहा है। अबे यार ये तो अटैक भी कर सकता है, मतलब कि अटैक तो करेगा ही, मुझे नहीं पता था ये लेजर भी छोड़ता है, और वो भी इतनी हैवी, इसने पूरा हाईवे जला दिया बीच का। आजा 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 भाई, देखो गाइस वो रही स्पेसशिप, हमें यहाँ से होकर जाना होगा, शॉर्टकट मारना जरूरी है, अपनी पूरी स्पीड के साथ ऊपर साइड जाना होगा वरना उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चलो 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 अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और ये मैं चला। चलो गाइस फाइनली पहुंच गए, बस लैंडिंग अच्छे से हो जाए। ओ भाई साहब क्या लगी है, फटाफट से ट्रांसफॉर्म होते हैं। देखो गाइस जहां पर अभी मैं हूं ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये स्पेसशिप कितनी बड़ी है, मैं तो इसके सामने दिखूं भी नहीं अगर दूर से कोई देखे तो। भाई साहब मुझे जल्दी से खत्म करना होगा अपनी पूरी पावर के साथ। और ये लो, चलो गाइस इनके स्पेसशिप की तो वाट लग गई।